आप इसके सिर्फ इसकी लुक चेक करें और आप इसको देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये बने और कितने क्रिस्पी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। और आज है जुमेरात, कल है जुम्मा। निकाली है ये कुर्ती पहनने के लिए और ये है आइडियाज़ की बाय गुलामत। तो यार मैं जो हूँ ना, ये ब्रांड के कपड़े लेती तो हूँ और पहनती भी हूँ, लेकिन जो मुझे असल मज़ा शॉपिंग का आता है ना, वो लोकल मार्केट से ही आता है। अभी मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ कि मतलब फ़र्क होता है इसके अंदर। ये होता है कि चलो यहाँ आपने ब्रांड के कपड़े ले लिए तो उसको जब प्रेस करो तो तब नए टाइप लगते हैं, महंगे होते हैं, सब होता है, लेकिन जो वैरायटी, जो क्वालिटी, तो नहीं क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है बाज़ औक़ात, लेकिन जो प्रिंट्स, जो कलर्स, जो वैरायटी आपको लोकल मार्केट से मिलेगी वो आपको कभी भी ब्रांड में नहीं मिलेगी। पहले अब जो है, अब ज़्यादातर मुझे मज़ा जो है ना वो लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करने में आता है। अब ये जो है ये आइडियाज़ वालों की कुर्ती है और ये जो मैंने पहनी हुई है ना, ये मैंने 4-5 टुकड़े जोड़ जोड़ के जो है ना ये फ्रॉक खुद बनाई है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इन सब को जोड़ के मैंने फ्रॉक बनाई है अपनी, जो महसूस भी नहीं हो रही कि ये इतने अलग अलग करके बनी हुई और इसको इस तरह से स्टाइल दे के ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तो ये भी किसी ब्रांड से कम नहीं लग रही है भाई। तो इसलिए मुझे जो है ना लोकल मार्केट से जो है ना शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है बनिस्बत ब्रांड की। कपड़े मेरे पास बहुत हैं, अच्छा मेरे पास लॉन के कपड़े, कुर्तियाँ, बहुत बहुत कपड़े ब्रांड के हैं, लेकिन जो मज़ा लोकल मार्केट से करने में ना शॉपिंग, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है ना, अब तो मैं बिल्कुल लोकल मार्केट से ही लेना पसंद करती हूँ, जहाँ से मुझे सस्ता भी मिले, प्रिंट भी अच्छे मिले और फिर मैं उस पर डिज़ाइनिंग कर लूँ तो वो हो जाए VVIP। तो ऐसा है, आप अगर ब्रांड का एक सूट 4000 का लेते हैं तो लोकल मार्केट से उन्हीं पैसों में आपको 2 सूट मिल जाएंगे और 2 सूटों के साथ उस पर लगाने के लवाजमात भी मिल जाएंगे। तो उसमें आप 2 सूट पहन सकते हैं अच्छे से, अच्छे करके उनको स्टाइल दे के पहन सकते हैं। तो ये है सेम कुछ, तो इसीलिए जो है मेरे पास भरमार है ब्रांड की भी, लेकिन जो है ना अब मैं ज़्यादातर जो है ना वो लोकल मार्केट से ही लेना पसंद करती हूँ कि उसमें मेरे कपड़े जो हैं उन्हीं पैसों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाते हैं और उसको डिज़ाइनिंग करके मैं उनको ब्रांड का लुक भी दे देती हूँ। तो ऐसा, तो जी मैं निकल चुकी हूँ बाहर और बाहर निकल के मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बाजुओं की तलाश है मुझे, चिकन विंग्स, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे क्योंकि टाइम थोड़ा सा हो गया है ज़्यादा यहाँ के हिसाब से, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल रही हूँ।
अब तो बकरीद के साथ से ही रहेंगे, गाय बेचने वाली तो नहीं लगती। और यहाँ पे चिकन की कोई भी शॉप नजर नहीं आ रही, सिर्फ बकरा, दुम्बा, गाय, बछिया, बस यही गोश्त नजर आ रहा है। चिकन तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे, इतनी दूर भी आए और दिखाई कुछ नहीं दे रहा। और यहाँ चत्ती चत्ती बोलते हैं, चत्ती बोलते हैं, अल्लाह जाने वो वाले दुम्बे भी टंगे में उल्टे लटक रहे हैं, पीछे से उनकी चत्तियाँ भी नज़र आ रही है, जो अफगानी बोटियाँ खाने को मिलती हैं, दुम्बे की चत्ती लगी हुई लासिफ स्क्वायर पे और अब तो फाइव स्टार पे भी खुल गया था सुराब बोर्ड की साइड। बड़े मज़े की लगती हैं मुझे, मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। यहाँ सिर्फ यही यही है, चिकन ना दिखी, दिखी ना रही। फालसे वाला है, फालसे भी लेने मुझे वापसी। यार हम लोग कहाँ से कहाँ होते होते आ गए और आज हमें बनाने ना चिकन नहीं तो नहीं मिल के दे रहे भाई, वैसे ढेर के ढेर लगे रहते हैं। और मैं इतनी जमाइयाँ ले रही हूँ रस्ते भर से, मैं अपनी बहन से भी कॉल पे बात कर रही थी अभी जाने से पहले, तो मुझे मम्मी तुम इतनी जमाइयाँ ले रही हो, नींद पूरी नहीं हुई क्या? तो मैंने उसको बोला पता नहीं क्या हो रहा है यार, बीपी लो हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन आप ये देखें कि मैंने पान ही नहीं खाया। मतलब कि आज मैं बाज़ों का इंसान का दिमाग ऐसा होता है ना कि मैं वही चीज़ खाना भूल गई जो कितनी ज़रूरी है मेरे लिए और क्या है, और मैं इसी चक्कर में बस उबासियाँ मारते मारते आ रही हूँ। यार आ गई हूँ मैं किचन में और मैं ये मिल गए थे मुझे बाजू बगल में बच्चा और शहर भर में डंडोरा, मुझे यहीं अपने रूट से ही मिल गई है। वैसे दिख नहीं रहे थे लेकिन उन्होंने रखे हुए थे, तो जो असल कटिंग होती है ना इनकी बाजुओं की, जो मेन वो होता है इस तरह से होने चाहिए वैसे सारे बाजू, ये रहे तो सेंटर में से कट करके, लेकिन जैसे भी हैं मिल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इनको एक बाउल में निकाल रही हूँ, और सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो है ये कि हम इसमें डालेंगे सिरका कोई आधी प्याली के करीब। ये गया इसमें सिरका और जाएगा इसमें नमक, ये गया इसमें नमक और इसमें जाएगा एक कप के जितना पानी। ये डाल के तकरीबन इसको हम 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैं पानी भरूंगी तो ये यकीनन मर मर के भरा जाएगा, लेकिन चलें भर लिया जाएगा। इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे, ये भी एक तरह की इसमें मैरिनेशन ही है, क्योंकि अगर सिरके के अंदर चिकन की सफाई सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है सिरके के अंदर, नमक सिरका और पानी लगा के हम इसको रखेंगे तो एक तो इसकी सफाई अच्छी हो जाएगी, दूसरा ये कि इसमें ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, फटाफट से इनको गलने में टाइम नहीं लगेगा, तीसरा ये कि ये ड्राई नहीं होंगे, जूसी जूसी से बनेंगे। तो ये करने से जो है ना ये तीन चीज़ें जो हैं इसका हमें फ़ायदा होता है। इसको तकरीबन ये करके आधे घंटे के लिए तकरीबन इसको हम छोड़ देंगे, आधे नहीं तो कम से कम 15 मिनट तो लाजमी इसको इस तरह से करके छोड़ें। देखें पानी का कलर चेंज हो गया, जबकि मैं बाजू धो चुकी थी उसके बावजूद सिरका डालने से ये फ़र्क पड़ता है। मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी, उसके बाद करेंगे इसकी मैरिनेशन। ये देखें जी आधा घंटा हो चुका है इसको, बल्कि कम ही हुआ है अभी आधे घंटे से भी, और इसकी सारी गंदगी जो है ना वो बाहर आ गई है और इसका कलर जो है ना थोड़ा चेंज हो गया, पानी का कलर देख सकते हैं। तो बस इसको निकाल लेंगे अच्छी तरह इसी में मसल के, ताकि इसका जो बाकी का भी सारा निज़ाम है गंदगी है वो बाहर आ जाए।
मैं इसको निकाल लेती हूँ यहाँ। भाई अब बारी आ जाती है इसकी मैरिनेशन की। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए दही जिसके अंदर पानी ना हो। तो मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं है, तो मैं अपनी जब दही बिना पानी वाली करनी हो ना, तो मैं इस तरह से ये वाली छन्नी में कर देती हूँ। ये पानी इसमें आ गया है और ये दही जो है वो इधर आ गई है, और ये दही जो है गाढ़ा गाढ़ा सा मैं अब इसमें डाल दूँ। ये दही गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल हो रहा है, पानी वाला दही अगर हम इसमें डाल देंगे तो इसकी मैरिनेशन जो है वो अच्छी नहीं होगी, कोटिंग जो है वो उतर जाएगी इसके ऊपर से। तो इसलिए हमने इसमें बिना पानी के दही ऐड किया। इसमें दही, अब दही के बाद इसमें क्या जाना है उसके लिए हम आ जाते हैं इधर। ये है जी साबुत धनिया कुटा हुआ, वो जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। पिसी हुई काली मिर्चें जाएंगी, ये गई। उसके बाद जाएगा, कभी मैं यहाँ कर रही हूँ कभी मैं वहाँ कर रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, और अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर हो तो आप वो डालें, वो भी वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन एक ये तो हम गीला ही मसाला बना रहे हैं तो हम ये भी डाल देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन इसकी जो ड्राई कोटिंग होगी उसके अंदर तो लहसुन अदरक का पाउडर डलता है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि हमने उस वक्त भी इसमें सॉल्ट लगा के रखा था। ये आ गया सॉल्ट। अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च जो कि मेरी बहुत फेवरेट है थोड़ी सी, और पिसी हुई लाल मिर्च भी मैं इसमें ऐड करूँगी। बस ये हो गया हमारा मैरिनेशन पूरा। मिक्स करते हैं इसको और इसको रख देंगे हम एक साइड पे। इसको कम से कम भी ये मैरिनेट करने के बाद कम से कम 15 मिनट तो आपने छोड़ना ही छोड़ना है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आधे से एक घंटा छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको कम से कम का टाइम बता रही हूँ, तो कम से कम इतना तो लाजिम ही आपने छोड़ना है। तो ये हो गया है मैरिनेट। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए और बंद करते हैं इसका हम ड्राई वाला जो मैदे का हम इस पे लगा के फ्राई करेंगे वो तैयार करते हैं। यहाँ ले लिया मैंने 2 कप मैदा, इसके अंदर मैं डालूँगी पिसी हुई काली मिर्चें, जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डालें, हमें तो ज़्यादा ही पसंद आती हैं भाई। ये डाल, अब इसमें जाएगा ये पेपरिका पाउडर, ये गया, और इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। आप मर्ज़ी डालना चाहें ना डालें, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ। हो गया, इसको हम कर लेंगे मिक्स। बस ये भी हो गया हमारा डन। बस हम उसको 5-10 मिनट और रखेंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसको हम फटाफट से बस सिर्फ मैदे पे लगा के फटाफट फ्राई करेंगे, रखेंगे नहीं इसको। रखेंगे तो फिर इसके क्रम्स जो है ना वैसे नहीं बनते। तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये जो हमारी मैरिनेशन हुई हुई थी, अब क्या करना है, मैंने ये मैदा भी तैयार कर लिया था जो बताया मैंने। अब मैं इसको मैदे के अंदर इस तरीके से कोट करूँगी, ये कर लिया अच्छी तरीके से कोट। उसके बाद ये मैंने पानी लिया हुआ है, ये नॉर्मल पानी है, कोई ठंडा वंडा पानी नहीं है, ये नॉर्मल पानी है रूम टेम्परेचर का, कोई ठंडा पानी नहीं है। इसको इसमें डिप करने के बाद वापस इसके अंदर डालेंगे, वापस इसके अंदर डाल के और फिर इसको ये जो चीज़ है ना इसको बस दबा दबा के आपको इस तरह से इसके क्रम्स बनाने हैं। इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के यहाँ पे लगाना है। जितना आप इसको इस तरह से दबा के कोट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा इसकी
अच्छे क्रम्स बनेंगे और इसको लगा के रखना बिल्कुल भी नहीं, इसको बिल्कुल भी लगा के नहीं रखना, इसको बस डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना हम पैन में डालेंगे। और मेरी जो गैस है ना वो दफ़ा हो गई है, उसकी वजह से मैंने लकड़ियाँ लगाई हैं नीचे पैन के अंदर। ये हो गया, डाल के दिखा। खीरे नहीं खाओ यार। अब ऐसे ही हम ये दूसरा पीस ले लेंगे, उसको भी यही करना है पहले, और वही वाली जो ट्रिक है वही यूज़ करनी है, सूखे को सूखा हाथ, गीले को गीला हाथ। ले गया पानी के अंदर, उसके बाद ये वापस आया, फिर हम इसको इसी तरीके से दबा दबा के इस तरह, ये देखिए जब हम इस तरह करेंगे ना तो ये देखिए इस पर किस तरीके से लेयर्स बन रहे हैं। इसको इस तरह से दबा दबा के रेडी करना है। और ये कितना सा विंग था और ये कितना बड़ा हो गया। बस ऐसे ही मैं तमाम को सबको करती जाऊंगी और करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखें ज़रा मेरा दिमाग, पहले मैं उसको पानी में डालना शुरू हो गई। आप लोग देख सकते हैं कि गैस दफ़ा हुई भी है, मैंने किस तरह जुगाड़ लगा के जो है वो इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी आँच ज़रा से भी कम हुई तो इसका जो सारा क्रिस्पीपन जो है, ये जितने भी आपको इसके लेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, एक क्रम से ये सब जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे इसके सर पे खड़ा रह के और फटाफट से जो है वो मैं लकड़ियाँ लगा दी हैं ताकि ये फटाफट हो जाए और इसका जो है ना बर्बादा ना निकले। यहाँ पे मैंने ले लिया है दही, जिसका मैंने पानी इसका भी बिल्कुल निकाल लिया है। ये भी एकदम एकदम ड्राई है दही। इसके अंदर मैं डाल दूँगी मायोनीस, खीरा, प्याज, काली मिर्च, नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा रेडी। तो भैया जैसे भी कर कर आके हमने अपने विंग्स जो हैं वो फ्राई कर ही लिए हैं। मैं इसको उतारती हूँ और फिर इन लकड़ियों को बुझाती हूँ, क्योंकि गैस जो है ना वो बिल्कुल जा चुकी है। आप इसके सिर्फ इसकी लुक चेक करें, पर जितने फ्राई हो सकते थे, क्योंकि फिर मेरे पास लकड़ी भी और नहीं है और जितने फ्राई हो सकते थे हो गए। अब जब रात में गैस आएगी तो फिर दोबारा बच्चों ने खाना होगा तो फिर वो दोबारा से इसको हम करेंगे फ्राई और खा लेंगे मज़े से। ये हो गए भाई हमारे चिकन विंग्स जो है वो फ्राई, और आप इसको देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये बने और कितने क्रिस्पी। ये आवाज़ आप चेक कर सकते हैं। और ये मैंने मायोनीज, दही और प्याज है, खीरा है, काली मिर्चें हैं, नमक है, और मुझे ब्रोस्ट जो है वो सिर्फ बन के साथ ही अच्छा लगता है, मैं रोटी के साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने बन मंगा लिए हैं। और ये गरम गरम से यमी यमी हमारे चिकन विंग्स जो हैं वो रेडी हो गए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितना क्रिस्पी है। गरम गरम प्लेट ले आओ एक, ये देख, ये मेरा हाथ जल रहा है यार। इंजा कैसा बना मानो, बहुत गर्म हो रहा है बेटा अभी। ये देखिए